ये कहानी उन लोगों के लिए है जो हर वक्त कुछ ना कुछ ढूंढते रहते हैं अपना टाइम पास करने के लिए, कुछ मजेदार चीजें मोबाइल पे या टीवी पे देख के या तो बातें करके लोगों से जो किसी काम की नहीं है। ऐसे लोगों को अपना खाली समय भरने के लिए कुछ ना कुछ चाहिए होता है जिनसे कि उन्हें ऐसा लगे कि मैं अपना टाइम वेस्ट नहीं उसे अच्छी चीजों के लिए यूज कर रहा हूं। लेकिन क्या सब लोग सच्ची में ऐसा करते हैं? क्या मोबाइल पे कुछ देख के या मोबाइल पे गेम खेल के अपना टाइम यूटिलाइज करते हैं या सिर्फ टाइम पास करने खेलते हैं? ये समझने के लिए मैंने ये वीडियो बनाया है ताकि मैं भी कुछ समझ सकूं और शायद तुम्हें भी इससे कुछ समझ जाए, नहीं तो एटलीस्ट टाइम पास हो जाए। क्या करते हैं? दुनिया में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्हें पता ही नहीं होता कि अपने फ्री टाइम में क्या करें। ऐसे में उनका साथ देता है उनका मोबाइल फोन, जो लगता तो दोस्त की तरह है पर क्या वो सच्ची में अपना दोस्त है? सोचने वाली बात है ना, ये काफी क्रेजी थॉट है। ये अपने को ऐसी चीज ढूंढनी चाहिए जिससे अपना टाइम अच्छे से यूज कर सके, कुछ नया सीख सके, कुछ नई आदतें लगा सके और जिससे अपनी ग्रोथ हो। क्या होता है जब हमें ऐसी चीजें नहीं मिलती? हम बोर हो जाते हैं, हम रेस्टलेस होने लग जाते हैं, हम अपनी लाइफ में सैटिस्फाइड फील नहीं करते हैं और शायद इन सब बातों की वजह से हम वो अपॉर्चुनिटीज खो देते हैं जिनसे हमारी पर्सनल ग्रोथ हो सके। हम इन सब चक्करों में रिलैक्स भी नहीं कर पाते, हमेशा बेचैनी होती है कि अब क्या करें, कहीं मैं अपना टाइम तो वेस्ट नहीं कर रहा, वैसे वक्त पे ना ही हम मजे कर पाते हैं। तो इसका सलूशन क्या है? ये वीडियो देख के या सुन के शायद तुम्हें वो समझ जाए कि ये टाइम पास हो रहा है और शायद तुम या मैं खुद वो करना बंद कर दे। आज नहीं होगा अचानक से, वो हर दिन सोचना होगा उस पे, हर दिन थोड़ा टाइम कॉन्शियसली यूटिलाइज करना होगा, अलग हॉबीज में अपने आप को डालना होगा जिनको करने से अपना डेवलपमेंट हो या कुछ नया सीखने मिले या नए लोगों से मिल सके। जैसे कि बाहर घूमने जाओ, कोई एक्टिविटी करो जैसे कि स्विमिंग, फुटबॉल, ड्राइंग, पेंटिंग, बुक्स पढ़ते बैठ सकते हैं, हम कुछ लिख सकते हैं, उन लोगों से मिल सकते हैं जिनको हमारी जरूरत है और जिनके पास कुछ नहीं है। मतलब ऐसी कुछ भी चीज जिससे हमारा टाइम पास ना हो, हमारा टाइम अच्छे से यूटिलाइज हो, हम नए स्किल्स सीख सकते हैं जैसे कि कंप्यूटर में कोई सॉफ्टवेयर, या हम कोडिंग करना सीख सकते हैं, नई लैंग्वेज सीख सकते हैं, खाना पकाना सीख सकते हैं, घर वालों के साथ टाइम स्पेंड कर सकते हैं बिना मोबाइल के। बहुत सारी चीजें ऐसी है जो हम कर सकते हैं जिससे हमें भी मजा आए और हम कुछ अलग सीख सके। हमारे ब्रेन्स को आजकल डोपामिन का हिट मिलता है, जैसे ही हम रील्स देखते हैं या मोबाइल गेम खेलते हैं, फिर हम पूरा दिन वो हिट के लिए कुछ ना कुछ टाइम पास करते रहते हैं, रात को आंखें दुखने तक मोबाइल यूज करते हैं, फिर सो जाते हैं और सुबह उठ के ही पहली चीज क्या होती है अपने हाथ में? मोबाइल, जो कि गलत है। आपका टाइम पास नहीं बल्कि उसे अच्छे से यूज करना सीख गए तो बहुत सही होगा, पर्सनल ग्रोथ होगी, नया सीखने मिलेगा, नॉलेज गेन करने मिलेगा, लोगों से अच्छे से बात कर पाओगे, अपने टाइम को अच्छे से यूज कर पाओगे, ना ही टाइम पास, नए पैशंस डिस्कवर कर पाओगे, नए स्किल्स डेवलप होंगे जो तुम्हें ही कहीं ना कहीं कभी ना कभी मदद करेंगे, सेहत अच्छी होगी, दिमाग शांत होगा और तुम्हें खालीपन महसूस नहीं होगा जिससे कि तुम्हें टाइम पास करने का मन ही नहीं करेगा। तो भाइयों और बहनों, बोर होना छोड़ दो और नई आदतों से अपनी जिंदगी को एक नया मोड़ दो। हम है राही प्यार के, फिर मिलेंगे चलते चलते।